नमस्कार। मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने एक वेदनापूर्ण हृदयदायक घटना लाया हूँ कि जो हमारी गाय गली गली में घूम रहे हैं, उनकी दुर्दशा है। उनको खाना भी नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलते है, तड़प रही है, उसका शरीर जीर्ण हो गया है, उसको कोई लकड़ी मारता है। यहाँ तक बात है कि रसन रेट से उसे दांत भी मारते हैं। इतनी बड़ी दुर्दशा हमारी माँ गौ माता की हो गई। भारत के सारे नगर के अंदर ये दुर्दशा होती है। हम उसे गौ माता कहते हैं। ये गौ माता इतनी दुर्दशा कर रहे हैं, ये हमारा एक अपराध हो रहा है। तब हमने विचार किया कि इसका उपाय क्या होगा। तो अभी हमारे आजादी के कुंडली में दशम स्थान में से अप्रैल महीने में गुरु कुंभ राशि से भ्रमण करेगा। वो भ्रमण करके चतुर्थ स्थान जो है गौशाला का है, चतुर्थ स्थान गौशाला का है, ये ध्यान। गौशाला है तो वहाँ उसकी भी योजना बनानी चाहिए। केवल हम नमस्कार उसे करते हैं और उसकी परिक्रमा करने की जो महिमा थी वो उसको मूर्छा भी आ जाती है, वो गिर जाती है। इतनी दुर्दशा मेरे आंखों से देखी। तो इतनी बातों करने से कुछ इसकी दुर्दशा दूर नहीं हो सकती। इसलिए हमने एक उपाय ढूंढा है। क्या उपाय ढूंढा है कि हर सोसाइटी में, हर भारत के एक एक शहर एक एक सोसाइटी में से एक आदमी एक रुपया धन निकाले और एक आदमी सेवा के लिए दिए। तो वो जाके पांजरापुर में एक एक गाय के ऊपर अपना नंबर दिखा दे रहे। तो इस तरह से गौ माता की दुर्दशा दूर हो सकती है। ये हमारी माता है, माता का ऋण है, इसका सेवा तो हमें ही करनी चाहिए। सरकार पर इसको बताना ये उचित नहीं, कलंक लगेगा। क्यों, माँ की सेवा करना क्या सरकार को बुलाएंगे हम? माँ की सेवा करना है और सरकार के पास याचना करनी है, ये लांछन जैसी बात है। हम उनके पुत्र क्या इतने अधोगति में चले गए कि जिससे हम एक रुपया नहीं दे सकते, एक आदमी दे नहीं सकते? तो जब हमारे बड़े बड़े खर्चे हो जाते हैं, वहाँ पर मोटर कार्य के करोड़ों रुपए दे देते हैं, तो वहाँ पर एक गौ माता के लिए इतना एक रुपया और एक व्यक्ति हर सोसाइटी मिल जाए, ये हमारी योजना है। इसलिए हम कहते हैं सरकार के पास जाना ये हमारे लिए कलंक रूप होगा। हम सरकार से ये आश्रय नहीं मांग रहे हैं। हम हमारी माता का स्वयं सेवा करने चाहते हैं। हमारी माता का सेवा स्वयं करेगा तो वो कुल दीपक हो जाएगा। कुल दीपक कहा जाता है लड़के को, तो ये कुल का दीपक को भी मिटा रहा है, गौ को भी मृत्यु में मिटा रहा है। ये दुर्दशा हमारे देश में से निकलनी चाहिए। इसके लिए मैं भारत के एक एक सोसाइटी को कहता हूँ, एक एक कोने में एक नगर में कितनी सोसाइटी होती है, एक एक रुपया निकाल दो। आप ही जाओ, आप ही देके आओ, कोई देने नहीं आएगा। और आप ही जाके बोलो मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। ये स्वयं सेवक बनना पड़ेगा, स्वयं सेवक बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा गौशाला के लिए। ये हमारा संदेश आप इस यूट्यूब में देखकर घर घर प्रचार कर दो और मुझे सहकार दो। मैं आपका चरण स्पर्श कर रहा हूँ, गौ माता का चरण स्पर्श करूँगा। जब भी मुझे तृप्ति होगी, जब ऐसी आयोजना योजना हम अपने जीवन के अंदर करके हमारे माता के जो उपकार है, अनंत उपकार की स्मृति करो, उसकी दुर्दशा हम मिटाएंगे तो कौन मिटाएगा? क्या ये पुत्र कुल दीपक है? हम कुल दीपक बन जाए। अनाधिकार से हमारे देश के अंदर गौशालाएं थी, वहाँ पर आश्रम के अंदर उनकी एक पुष्य और महान महाकल्पतरु जैसी एक दिव्य शक्ति उसमें होती है। इस सेवा से हम राष्ट्र का नहीं, माता की सेवा होती है। क्यों? माता ने बताया है कि जननी जन्दे भक्त सूर्य दाता, नहीं तो रहे वांदनी। तो हम भक्त बन जाए, गौ भक्त, ये नहीं स्वयं बन जाए, किसी आश्रम में नहीं जाना है। ये सोसाइटी अपनी अपनी एक एक सोसाइटी ऐसा रचना कर दे और वहाँ जाके पैसा दे दे, वहाँ जाकर एक आदमी एक व्यक्ति दे दे। ये मेरी नम्र प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ और आपके चरण स्पर्श करता हूँ।
गौ माता के चरण से रखता हूँ और कहता हूँ गौ माता की जय कब होगी, उसकी दुर्दशा दूर होगी, तभी हम जय जयकार कर सकते हैं। इसके पहले हम गौ माता का जयकार कैसे करें।